वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो रीट एग्जाम 2022 के लिए स्पेशल शिक्षा मनोविज्ञान के 2011 से लेकर 2021 तक पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हमारा पार्ट नंबर 5 आ चुका है। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। प्रताप क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर आप चैनल पर ज्वाइन होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी जो भी तैयारी करें उन्हें भी फायदा मिले। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों के बारे में जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को रिपीट कर लीजिए। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के, यानी 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। और मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडूरा व वाल्टर ने बल दिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पद्धति थी उनकी निरीक्षण युक्त अधिगम व अनुकरण। निरीक्षण युक्त अधिगम व अनुकरण अधिगम की पद्धति थी कौन सी थी? अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति, निरीक्षणयुक्त अधिगम व अनुकरण। तो इसका आंसर जो 2 हो जाएगा। ये रीट लेवल 2 के अंदर पूछा गया था 2018 में। आगे बात करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थारंडाई के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ये रीट लेवल 2 में पूछा गया था। तो क्या लागू नहीं करना चाहिए? बच्चे को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए, ये तो किया जाना चाहिए। अगला है, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए, जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है इसका आंसर 2 हो जाएगा। बच्चे को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है, खोज विधि का उन्मुख किया जाना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन की, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, तो यह है सामाजिक कारक से संबंधित है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यस्तता। अभ्यस्तता जो है परिवर्तन कहलाता है। आगे बात करेंगे, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ एवं व, मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है, तो ये है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण अधिगम की समस्या होगी जिसमें फ व मैं व न अक्षरों की ध्वनियों के अंतर न कर पाए। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो अधिगम को कौन सा उदाहरण जो है प्रदर्शित करता है, ये करेगा एक आंसर, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना अधिगम को प्रदर्शित करता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो गया हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करता है। आगे बात करेंगे, विकास सबसे अधिक योगदान देता है, किसमें देता है? तो यह देता है परिवार, समन्वयक, समूह और अध्यापक, इसमें क्या है, विकास सबसे ज्यादा योगदान देता है। आगे बात करेंगे, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताना है कि अधिगम और परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाते। दो नंबर है, वंश क्रम संभाव्य समता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो जाते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखते हैं, सीखने के लिए तैयार नहीं है, तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख जा सकते हैं। आगे बात करेंगे, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते, और ये अधिगम और परिपक्वता के संबंध में निम्न कथन सही है। आगे बात करेंगे, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार बताना है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल है,
आगे बात करेंगे व्यय संधि काल, जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी काल माता है। व्यय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं व्यय संधि काल सबसे अधिक दुखी का काल होता है। तो ये आंसर चार हो जाएगा, यानी जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का है एवं व्यय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चार। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की अधिगम निर्योगताओं वाले कालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। इसमें संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय व दिशा की समझ जो है कमी पाई जाती है। अधिगम निर्योगताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में और समय और दिशा की कम समझ होती है, जिनमें किनमें अधिगम निर्योगताओं वाले बालकों में। आगे बात करेंगे एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों पहाड़ों मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को यह अन्य पुस्तकों व मानचित्रों का अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम कौन सा है। तो देखिए कौन सा उपागम है, खोज उपागम है, मानचित्र निरूपण है, समस्या समाधान उपागम है और अन्वेषण उपागम है। तो इसका आंसर हो जाएगा खोज उपागम है। कौन सा खोज उपागम है ये। आगे बात करेंगे एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, उसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित तो कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी को कौशल प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। यानी कोई क्रिकेट खिलाड़ी है उसकी जो है गेंदबाजी तो बहुत अच्छी है लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसकी बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है, तो ये शून्य प्रशिक्षण अंतरण के अंतर्गत आएगा। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। तो ये अनुकरण अधिगम जो है बालक के व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट लेवल सेकंड के अंदर पूछा गया था। ये देखिए अनुकरणात्मक अधिगम के अंतर्गत बालक उस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित होता है जिसे वह आदर्श रूप से स्वीकार करता है। व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन किसके लिए निश्चित होते हैं। तो ये होते हैं परिणाम के, व्यवहार की पुनरावृत्ति व परिमार्जन किसके लिए निश्चित होते हैं, तो परिणाम के लिए निश्चित होते हैं। आगे बात करेंगे निम्न में से कौन सा कारक परीक्षण यानी अधिगम के स्थानांतरण में मदद नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थकावट और थकान। इसने कहा कि कौन सा परीक्षण अधिगम के स्थानांतर में मदद नहीं करता है, इच्छा शक्ति उचित वातावरण और परिपक्वता जो है इसमें मदद करते हैं लेकिन थकावट इसका जो है मदद नहीं करती है। आगे बात करेंगे सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है। तो ये विलोपन कहलाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलोपन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त कहलाता है, ये विलोपन कहलाता है। आगे बात करेंगे न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, यह उदाहरण किस पर आधारित है। तो ये अंतर्दृष्टि का उदाहरण है कि न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। तो ये अंतर्दृष्टि है और ये मोस्ट कर लेना, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की इसके आधार पर अंतर्दृष्टि का एक उदाहरण माना जा सकता है। अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया था, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिगम का उद्देश्य व्यवहारवाद ये हल ने दिया था, किसने, हल ने दिया था। आगे बात करेंगे अधिगम का उद्देश्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो एडवर्ड टोलमेल ने दिया था। अधिगम का ओनली पूछ ले उद्देश्यवाद सिद्धांत वो था उद्देश्य व्यवहारवाद, हल ने दिया था, लेकिन अधिगम का उद्देश्यवाद सिद्धांत किसने दिया था, एडवर्ड टोलमेल ने दिया था, ये आपको याद रखना है। अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है, अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है, ये गलत है। अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है, ये कथन सही है। अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है। अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता है। तो इसका आंसर चार राइट हो जाएगा।
व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देख वह कार्य सीखता है तो वह कहलाता है, तो अवलोकन द्वारा सीखता है। किसके द्वारा? अवलोकन द्वारा सीखता है। आगे बात करेंगे, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है, ये याद कर लेना। अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत कौन सा है? अधिगम सिद्धांत है। बुद्धि का बुद्धि सिद्धांत हो गया, शिक्षण का और अभिप्रेरणा का अभिप्रेरणा सिद्धांत हो गया। आगे बात करेंगे, अधिगम आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? तो अधिगम अभ्यास पर होता है, प्रशिक्षण पर होता है, अनुभव पर होता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत किए जाएं जब वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है, यह सोच कहलाती है। तो ये सहजानुभूति बोध अवधारणा कहलाती है। ये थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया है कि सीखने वालों के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार हो। तो इसका आंसर सहजानुभूति वाद बोध अवधारणा। जब सीखने वाला उपस्थित समस्या के हल में अक्षम आगे नहीं बढ़ पाता, उसे पाठ अथवा टिक्कड़ी की सहायता होती है, यह मनोविज्ञान अवधारणा और सहायता करती है। तो तथ्यों को पुनर्गठित कर पुनः सोच प्रयास, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे बात करेंगे, विस्मरण के उपयोग समय किसने किए थे? विस्मरण के प्रयोग समय किसने किए थे? तो ये एबिंगहॉस ने किए थे। किसने? एबिंगहॉस ने विस्मरण के प्रयोग समय किए थे। निरर्थक शब्द का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था एबिंगहॉस ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निरर्थक शब्द का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो एबिंगहॉस ने। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, बाद में सीखी गई सामग्री यदि पूर्व में सीखी गई सामग्री के धारण में अवरोध पैदा करे तो इस प्रक्रिया को कहेंगे क्या कहेंगे? तो इसे पश्चोन्मुखी अवरोध कहा जाएगा। ये थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया था कि बाद में सीखी गई सामग्री यदि पूर्व में सीखी गई सामग्री के धारण में अवरोध पैदा करे तो इस प्रक्रिया को पश्चोन्मुखी अवरोध कहते हैं। अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांतों में किसने किया था? तो ये किया था टोलमेल ने। किसने? टोलमेल ने किया था अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इन वीडियो को रिपीट कर लीजिए ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, और इन क्वेश्चनों को डेली कॉपी पेन लेकर बैठे और आप आंसर लगाएं कि आपके कितने क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से सही हो रहे हैं। और जो टॉपिक आपको याद नहीं है वो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि टेस्ट के माध्यम से आपको यही पता चलेगा कि कौन सा हमारा टॉपिक जो है कमज़ोर है। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं जो विद्यार्थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, कल हमारा अगला वीडियो आएगा।